Hello friends, welcome back to my channel. Hope you all are doing good. अगर आज आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है, अगर आपको सब कुछ सभी टॉपिक्स समझ में आते हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपको फ्यूचर में अपलोड होने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज हम दो टॉपिक्स हैं जो डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही हमारा बैंकिंग सिस्टम वाला चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। तो एक टॉपिक है आपका डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल बैंक एंड द कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। इसको ना वैसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बारी फिर भी मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। ओवरव्यू के लिए हम यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं इसको। तो जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है, दैट इज द एपेक्स बैंक, इट मींस दैट इज द टॉप मोस्ट बैंक, बाकी सब बैंक्स जो है वो इसके अंडर काम करते हैं, राइट। तो कमर्शियल बैंक्स दे फंक्शन अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक। इट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स एंड एडवांसेस लोन टू देम। मतलब क्या है कि ये क्या करते हैं, सिर्फ कमर्शियल बैंक से डील करते हैं, ये जनरल पब्लिक से डील नहीं करते। बट ऑन द अदर हैंड जो कमर्शियल बैंक्स हैं, ये वो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो हम जनरल पब्लिक से डील करते हैं, हमारे डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना, हमें लोन प्रोवाइड करना, राइट, फॉर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट पर्पस दे प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दैट। जो सेंट्रल बैंक है वो इकोनॉमी में मनी को सप्लाई भी करते हैं बाय इशूइंग द न्यू करेंसी, और सप्लाई ऑफ मनी जो है बाय द कमर्शियल बैंक्स उसको रेगुलेट भी करते हैं। लेकिन जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनका जो रोल है वो सिर्फ और सिर्फ सप्लाई ऑफ मनी तक ही, क्रेडिट क्रिएशन के मोड से ही है, वो क्या नहीं कर सकते, इसको रेगुलेट नहीं कर सकते। जो सेंट्रल बैंक है वो क्या होते हैं, हमारी इकोनॉमी में कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, रिजर्व। हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि जो हमारी इकोनॉमी का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो क्या होता है, किसी भी इकोनॉमी का क्या होता है, वो सेंट्रल बैंक के पास होता है। उसके अलावा उन फॉरेन एक्सचेंज रेट को वो कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए एक मैनेज फ्लोटिंग नाम का फंक्शन परफॉर्म करता है, ताकि जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो भी स्टेबल रहे, ज़्यादा फ्लक्चुएट ना हो। लेकिन कमर्शियल बैंक्स जो है वो क्या नहीं करते, वो कस्टोडियन, उनके पास नहीं रहता फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ द कंट्री, बट स्टिल वो उसमें क्या करते हैं, प्रॉफिट पर्पस से डील करते हैं। जो सेंट्रल बैंक है हमारी इकोनॉमी में सोल राइट है उनके पास न्यू करेंसी इशू करने का या नोट्स इशू करने का, ठीक है, करेंसी अथॉरिटी। लेकिन जो कमर्शियल बैंक है वो किसी तरह के नोट्स को इशू नहीं कर सकते। सेंट्रल बैंक जो है उसके जो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो क्या करता है, इकोनॉमी में ग्रोथ और स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखता है। स्टेबिलिटी कैसे, जैसे इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आती है, डिफ्लेशन की प्रॉब्लम आती है, तो जो आरबीआई है या हमारी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करता है, दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दैट। जैसे कि वो क्या करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आएंगे, ठीक है, नए नए मोड्स यूज़ करेंगे, जिससे क्या होगा, इकोनॉमी जो है हमारी स्टेबल रहे। लेकिन जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर फोकस करते हैं, उनको इकोनॉमी, तभी तो उनको जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, ठीक है। इसके बाद अब आ जाते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज़ कंट्रोल ऑफ मनी एंड सप्लाई बाय द सेंट्रल बैंक। दिस टॉपिक इज वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि इसमें से क्या होता है, एवरी ईयर एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। जैसे इस बार भी इसमें से 1 mark का क्वेश्चन आया हुआ था, ओपन मार्केट ऑपरेशन, हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। जो हमने इस इसके प्रीवियस वीडियो के बिगनिंग में पढ़ी थी, हमारी कमर्शियल जो बैंक्स है वो किस तरह से क्रेडिट क्रिएट करते हैं, दैट केम इन आई थिंक 4 marks क्वेश्चन। तो आपको ये जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से थॉरली स्टडी करना है, अंडरस्टैंड करना है, क्रैम नहीं करना है, ओके। तो जो कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई है बाय द सेंट्रल बैंक, हमने प्रीवियस वीडियो में लास्ट फंक्शन पढ़ा था सेंट्रल बैंक का, कि वो हमारी इकोनॉमी में क्या करते हैं, मनी सप्लाई को ना रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ताकि हमारी इकोनॉमी में जो पैसा है ना तो ज़्यादा हो ना कम हो।
हमने ये पहले भी शायद पढ़ा है कि जो जो आरबीआई है वो क्या कर सकता है, करेंसी इशू कर सकता है। तो जब भी हमें पैसे की जरूरत होती है तो आरबीआई जो है वो न्यू करेंसी इशू क्यों नहीं कर देता, ऐसा नहीं कर सकता वो। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो करेंसी इशू करेगा तो क्या होगा, इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो लोगों के हाथ में पैसा आ जाएगा ज्यादा। जैसे ही पैसा आएगा तो क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी गुड्स की, राइट? डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन जो सप्लाई है वो हम उसको उसके उसमें नहीं बढ़ा सकते रेशियो में, जिसकी वजह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आने का खतरा ज्यादा रहता है। तो आरबीआई जो है वो क्या नहीं कर सकता, उसको करेंसी को ऐसे ही ब्लाइंडली इशू नहीं कर सकता। तो वो क्या करते हैं, वो फिर किसके लिए, सप्लाई ऑफ मनी के लिए कमर्शियल बैंक्स पर डिपेंडेंट होते हैं। अब कमर्शियल बैंक्स पर डिपेंडेंट हैं तो अब कमर्शियल बैंक्स भी अननेसेसरी पैसा जो है वो क्रिएट ना करें, उसके लिए भी उनके ऊपर चेक लगाना ज़रूरी है। तो फॉर दैट सेंट्रल बैंक जो है वो दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यूज करता है, फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव एंड द सेकेंड वन इज क्वालिटेटिव, ठीक है? तो अब एक बात याद रखना, इकोनॉमी में मनी सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज कैसे किया जाता है। देखो, इकोनॉमी में ना दो तरह की प्रॉब्लम होती है, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम या डिफ्लेशन की प्रॉब्लम। इन्फ्लेशन में क्या होता है कि जो डिमांड है वो ज्यादा है लेकिन जो सप्लाई है गुड्स की वो कम है, जिसकी वजह से उसके प्राइसेस जो हैं वो क्या हो रहे हैं, राइज हो रहे हैं। अब कोई भी प्रोडक्ट महंगा होगा तो उसको क्या होगा, सिर्फ वो लोग बाय कर सकेंगे जो उस प्राइस को पे कर पाएंगे, जो अफोर्ड कर पाएंगे, और बाकी जो पुअर पीपल हैं वो उस प्रोडक्ट को बाय नहीं कर पाएंगे, चाहे वो नेसेसरी आइटम ही क्यों ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी प्रीवियस कुछ ईयर्स में ना अनियन के प्राइसेस जो है वो राइज हो जाते थे। क्यों हो जाते थे? क्योंकि उसके जो डिमांड थी वो ज्यादा होती थी, क्योंकि हर एक चीज में आपको पता है अनियन डलता है, कोई भी आपको वेजिटेबल बनानी है, आप वैसे एज अ सैलेड भी उसको मतलब अपने खाने के साथ कंज्यूम करते हो, तो उसमें क्या होता है, उसकी डिमांड तो उतनी है लेकिन उसकी जो प्रोडक्शन थी ना वो कम हो गई, सप्लाई तो हो नहीं पाई, जिसकी वजह से उसके प्राइसेस राइज हो गए, 120 रुपीज पर केजी, 150 रुपीज पर केजी। तो क्या होता है, उस टाइम पीरियड पर इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम थी, तो एक तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट करती है बफर स्टॉक होता है गवर्नमेंट के पास मेंटेन करके, गवर्नमेंट वहां से ना सप्लाई रिलीज कर देती है। तो क्या होगा, मार्केट में सप्लाई बढ़ गई और इन्फ्लेशन अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन जब गवर्नमेंट के पास भी बफर स्टॉक नहीं होता तो क्या करते हैं, तो आरबीआई कम्स इनटू पिक्चर। अब इन्फ्लेशन होने का मतलब क्या है, लोगों के पास पैसा है तभी तो वो लोग डिमांड कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, हम उनसे ये पैसा जो है वो लेने की कोशिश करेंगे, कैसे, बाय डिक्रीजिंग द क्रेडिट सप्लाई, राइट? हम उसको क्या करेंगे, हम कमर्शियल बैंक्स को इस तरह से कंट्रोल करेंगे कि वो क्या करे, इकोनॉमी में जो क्रेडिट क्रिएट कर रहा है वो ना करे, और कर भी रहे हैं तो लिमिटेड कर दे। एंड डिफ्लेशन की प्रॉब्लम है, इसका मतलब लोगों के पास प्रोडक्ट्स को बाय करने के लिए पैसा नहीं है, तो इस केस में क्या होता है, अपोजिट किया जाता है, इकोनॉमी में पैसा जो है वो रिलीज किया जाता है, जिससे लोग क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को डिमांड करें और क्या हो सके, फिर प्रोडक्शन हो सके और फिर गुड्स की सप्लाई हो सके। अभी एट प्रेजेंट वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम कोविड-19 की वजह से। क्यों? क्योंकि क्या है, लोगों के पास डिमांड ही डिमांड को करने के लिए पैसा ही नहीं है। दैट इज़ वाई गवर्नमेंट क्या कर रही है, लोगों को बैंक अकाउंट में जो 500 रुपीज़ दे रही है, या उन्होंने लोन्स वगैरह जो 20,000 करोड़ हैं वो लोन्स के थ्रू एमएसएमईज़ है या माइग्रेंट वर्कर्स है, इंडस्ट्रीज हैं, उनको प्रोवाइड कराया है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं ये ओवरऑल मनी सप्लाई को क्या करते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, एक स्पेसिफिक सेक्टर के ऊपर इनका फोकस नहीं रहता। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है बैंक रेट का। अब बैंक रेट क्या होती है, बैंक रेट वो रेट होती है जिस रेट पर कमर्शियल बैंक्स
आरबीआई से क्या लेते हैं, लोन लेते हैं, एंड दैट टू विदाउट एनी कोलेटरल, मतलब किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी जो है वो मोर्टगेज नहीं रखी जाती इसके बदले में। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल हियर। जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से कमर्शियल बैंक्स लोन लेंगे वही रेट क्या कहलाती है, बैंक रेट कहलाती है। दिस इज ऑल्सो नोन एज डिस्काउंट रेट, ठीक है, इसको डिस्काउंट रेट भी बोला जाता है। तो अब ये देखो, कमर्शियल बैंक्स को जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से सेंट्रल बैंक से लोन मिलेगा उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर तो हम जनरल पब्लिक को वो लोन देगा नहीं, उससे ज्यादा पर ही देगा, डेफिनेट है, क्योंकि जो डिफरेंस होगा बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द कमर्शियल बैंक्स एंड रिसीव्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स वो उनके प्रॉफिट का इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। तो अब देखो, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, इसका मतलब लोगों के पास पैसा है, उनको लोन जो है ना वो ईजिली मिल रहा है। अब क्या चाहेगा आरबीआई, आरबीआई चाहता है कि लोगों को ना पैसा ना मिले, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, बैंक रेट को इंक्रीज करना पड़ेगा। अब बैंक रेट को इंक्रीज कर दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब ये बैंक रेट इंक्रीज हुई तो जो रेट, मतलब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिस रेट पर हम जनरल पब्लिक को कमर्शियल बैंक लोन प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी ज्यादा हो जाएगी, जैसे अगर इनको 5% पर मिला है तो हमें 6 पर भी दे सकते हैं, 7 पर भी दे सकते हैं, जो इनके बीच का डिफरेंस होगा वो इनके लिए इनकम का काम करेगा। अब एक आम इंसान कहेगा भाई इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हम नहीं दे सकते, क्या होगा, इससे बेटर तो हम यही है कि इस नीड को पोस्टपोन कर देते हैं, अभी नहीं खरीदते बाद में खरीदेंगे। तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड जो है उसकी लोन के लिए कम हो जाएगी। तो इंक्रीज हो गया मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरे लिए बढ़ गई ना। अब जैसे देखो, मैं अगर बैंक से 1 लाख रुपीज लोन पर लेती हूँ तो 6% के हिसाब से मैं 6,000 का इंटरेस्ट दूंगी। अब मेरे को पता है मेरी इनकम इतनी नहीं है कि मैं 6,000 जो है वो पर एनम इंटरेस्ट पे कर सकूँ 1,000 के ऊपर, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट तो मुझे देना ही देना है, इंटरेस्ट भी साथ देना है, तो मेरे लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो गई। जो लोन पहले मुझे 4% की रेट से मिल रहा था अब वो मुझे 6% की रेट से मिल रहा है, तो डेफिनेट है मैं वो लोन लेने के लिए बैंक में नहीं जाऊंगी। तो क्या हो जाएगा, लोअर्स द डिमांड फॉर क्रेडिट, लोग क्या करेंगे, जो क्रेडिट की डिमांड है उसको कम कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं डिफ्लेशन की, तो इसमें बिल्कुल इसका रिवर्स प्रोसेस होगा, बैंक रेट को हम डिक्रीज कर देंगे, बैंक रेट को डिक्रीज करेंगे तो मोर एंड मोर पीपल दे विल बी कमिंग टू कमर्शियल बैंक्स, ताकि क्योंकि अब उनको क्या मिलेगा, सस्ता लोन मिलेगा बाय द कमर्शियल बैंक्स, तो उससे क्या होगा, उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी और वो क्रेडिट की डिमांड करेंगे, जिसकी वजह से इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, डिमांड जनरेट होगी, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और इकोनॉमी में प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये इस बार 1 मार्क के MCQs में आया हुआ था। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट है उसकी सिक्योरिटीज को सेल और परचेज करना इन द ओपन मार्केट बाय द आरबीआई। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सेंट्रल बैंक है वो कभी भी किसी भी तरह की सिक्योरिटीज को खुद बाय या सेल नहीं करता है, उसके बिहाफ पर हमेशा आरबीआई करता है, दैट इज रिजर्व बैंक। तो अब ये कहते हैं, देखो जब भी आप सिक्योरिटीज को सेल करोगे इकोनॉमी में, मतलब आरबीआई क्या कह रहा है, आरबीआई कह रहा है मेरे पास से, जैसे सिक्योरिटीज का एग्जांपल होता है, जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, गवर्नमेंट बैंक के होते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको इशू करती है, जो भी पैसा इसमें इन्वेस्ट किया जाता है वो टैक्स फ्री होता है, ठीक है। अब मैंने उसमें पैसा जो है इन्वेस्ट कर दिया, अब मेरे को क्या मिलेगा, बदले में एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपने गवर्नमेंट की ये सिक्योरिटी जो है वो बाय कर रखी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बैंक ने क्या करा, इकोनॉमी से पैसा जो था वो सोक कर लिया, मतलब
selling the securities in the open market soaks liquidity from the economy. अब लोगों के पास जो पैसा था उन्होंने सोचा वो घर पे रखा रखा आइडल क्या करेगा, हम उसको क्या करते हैं गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज को बाय कर देते हैं. तो मेरे पास जो पैसा था वो पैसा मैंने कहाँ डाल दिया, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिया. सिमिलरली अगर जो बाय करेंगे आरबीआई हमसे वो सिक्योरिटीज, तो ये सिक्योरिटी वो सर्टिफिकेट बैंक्स मुझसे वापस ले लेंगे. बैंक कहेंगे अब आपने वो सिक्योरिटीज का जो सर्टिफिकेट था वो हमें वापस कर दो, हम बदले में आपको आपका पैसा वापस दे रहे हैं. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मार्केट में या इकोनॉमी में रिलीज हो गई मनी सप्लाई, इंक्रीज हो गई मनी सप्लाई. ओके, अब इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है. इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, लोगों के पास पैसा है वो डिमांड कर रहे हैं. अब आरबीआई चाहता है कि लोगों के पास पैसा ना हो, तो व्हाट ही विल डू, जो आरबीआई है हमारा वो क्या करेगा, वो सिक्योरिटीज को सेल कर देगा. जैसे ही सेल करेगा सिक्योरिटीज को, इकोनॉमी से लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. लोगों के पास कैश नहीं होगा गुड्स को बाय करने के लिए, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, कमर्शियल बैंक्स के कैश रिजर्व कम हो जाएंगे. जब कमर्शियल बैंक्स के कैश रिजर्व ही कम हो जाएंगे तो उनके पास पैसा ही नहीं होगा लोगों को लोन प्रोवाइड करने के लिए, और जिसकी वजह से इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई कम और इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व. और अगर डिफ्लेशन है अपोजिट होगा, वो क्या करेगा, आरबीआई जो है वो बाय कर लेगा सिक्योरिटीज को. जैसे ही सिक्योरिटीज को बाय किया जाएगा लोगों के पास उनका पैसा वापस आ जाएगा. जैसे ही उनके हाथ में पैसा आएगा दे विल इन क्रिएट द डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज. और जैसे ही गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड होगी इकोनॉमी में क्या होगा, लोगों को लोन प्रोवाइड किया जाएगा जिससे वो क्या कर सकें, और ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को डिमांड कर सकें. आप एक अच्छे से पढ़ लो, जो दूसरा होता है वो उसका ऑपोजिट होता है. दोनों अगर आप करोगे ना तो आपको कंफ्यूजन होगा. तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से, हमेशा इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या हमेशा डिफ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो आपको ना अंडरस्टैंड करने में इजी होगा, आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. नेक्स्ट आता है रेपो रेट. ओके, मैं आपको एक पॉइंट बताना भूलूंगी, सॉरी. जो बैंक रेट है, अभी जो हमारी रीसेंट मार्केट सॉरी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो हमारी बैठी थी एमपीसी, उसके अकॉर्डिंग दैट इज 4.25%. रिड्यूस किया जा रहा है इनको क्योंकि कोविड-19 चल रहा है हमारा. तो रेपो रेट क्या कहता है, ये भी वही, ये भी एक तरह की रेट होती है जो क्या करता है, कमर्शियल बैंक्स ना सेंट्रल बैंक से क्या करते हैं, लोन लेते हैं. लेकिन हमेशा याद रखना इसके बदले में क्या किया जाता है, एक कोलेट्रल जो है वो गिरवी रखी जाती है, मोर्टगेज रखी जाती है, या कोई ना कोई सिक्योरिटी सेल की जाती है आरबीआई को. और एक अग्रीमेंट साइन किया जाता है बदले में दैट वी विल बाय दिस सिक्योरिटी बैक फ्रॉम यू, राइट, एट दिस प्री डिटर्मिंड प्राइस. इसका मतलब क्या है, एक रीपरचेज एग्रीमेंट जो है वो पहले से ही साइन किया जा रहा है. ये बेसिकली ना 1 to 14 days के लिए ही क्या होता है, लोन प्रोवाइड किया जाता है बाय द आरबीआई टू द कमर्शियल बैंक्स. इसका मतलब क्या है, दिस इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड. क्या करेंगे, अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को सेल करेंगे और या फिर बाय कर, और फिर उनसे क्या करेंगे, अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को सेल कर दिया या फिर गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बाय करेंगे जिससे उनके पास पैसा आ जाएगा और उन्होंने अपनी एक प्रॉपर्टी उनको सेल कर दी. लेकिन कंडीशन क्या होती है, दैट वी विल बाय बैक दिस सिक्योरिटी फ्रॉम यू इतने दिन के बाद और इस प्राइस पर, इस रेट ऑफ उस पर इंटरेस्ट पर हम क्या करेंगे, आपसे अपनी सिक्योरिटी को वापस बाय कर लेंगे. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज रीपरचेज रेट. इसको रीपरचेज रेट भी बोला जाता है एज दिस इन्वॉल्व्स द कमर्शियल बैंक्स सेलिंग सिक्योरिटीज टू द आरबीआई टू बोरो मनी. और कैसे, एक पहले से ही एग्रीमेंट जो है वो साइन कर लिया जाता है टू रीपरचेज देम एट अ लेटर डेट एंड अ प्री डिटरमिंड प्राइस. इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल बैंक रेट की तरह चलता है. जैसे बैंक रेट क्या करता है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, वैसे ही रेपो रेट भी करता है. ठीक है, अभी इसको रिसेंट में ही
4.4 थी प्रीवियस ये, अब इसको रिड्यूस करा गया है 4% पर। इससे क्या होगा, जो कमर्शियल बैंक्स है वो इजीली क्या कर सकते हैं, अगर उनको लोन की ज़रूरत है तो वो उनसे ले सकते हैं, और जिससे क्या होगा, लोगों इकोनॉमी में मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, और COVID-19 के ड्यूरिंग हम क्या कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमी को सस्टेन कर सकते हैं। ठीक है, अब इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, अब इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है तो डेफिनेट है हम क्या करेंगे, लोगों के पास पैसा है, दैट इज व्हाई दे आर क्रिएटिंग डिमांड फॉर द गुड्स, हम इसको राइज करेंगे। जैसे ही राइज होगी, महंगी हो जाएगी वो चीज़, महंगी होगी तो डेफिनेट है क्या हो जाएगा, कमर्शियल बैंक कहेंगे भाई इतना महंगा लोन हम आपसे लेने नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि इससे बेटर तो है हम क्या करें, अपने मतलब हमें ज़रूरत नहीं है इस पैसे की, वी विल नॉट बाय दैट अमाउंट फ्रॉम यू। क्यों? क्योंकि देखो जितना वो उनसे लोन जिस रेट पर लेंगे, आगे उनको उससे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ही तो देना पड़ेगा ना, तभी तो वो उस पर प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, अदरवाइज उनको क्या बेनिफिट होगा। तो जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा राइज, अब वो राइज हो गया तो इट विल डिस्करेज द पीपल फ्रॉम टेकिंग लोन्स फ्रॉम द बैंक्स, जिसकी वजह से डिमांड जो है क्रेडिट का वो कम हो जाएगा। अब जब डिमांड ही नहीं होगी तो कमर्शियल बैंक्स लोन प्रोवाइड क्यों करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, इकोनॉमी में मनी सप्लाई भी क्या हो गया, कम हो गया, और इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम हमने टैकल कर ली। ठीक है, इसका बिल्कुल अपोजिट होता है क्या, रिवर्स रेपो रेट, दैट इज रिवर्स रीपरचेज एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें होता है सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक से बोरो करते हैं, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को कहते हैं दैट व्हाई यू आर गिविंग दिस मच अमाउंट टू द जनरल पब्लिक, गिव इट टू अस, हम आपको उनसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। कमर्शियल बैंक्स को भी होता है कि ठीक है क्या दिक्कत है, हम लोग चले जाते हैं बैंक के आरबीआई के पास, एक तो सिक्योरिटी भी रहेगी, हमें हमारा पैसा वापस भी मिल जाएगा टाइम पर, ठीक है रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिल रही है, एनपीएस में भी कन्वर्ट नहीं होगा हमारा पैसा, तो इस तरह से किया जाता है इसको। अब क्या होता है, जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक से क्या करते हैं, बोरो करते हैं थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिवर्स रीपरचेज रेट। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, रिवर्स रीपरचेज एग्रीमेंट साइन होता है कि हम क्या करेंगे, इस पैसे को आपको इस डेट पर वापस कर देंगे विद दिस मच अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखो इन्फ्लेशन का टाइम है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही, महंगाई होगी, याद रखना हम लोग क्या करेंगे, महंगाई के टाइम पर व्हाट वी विल बी डूइंग, हम लोग अपनी रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देंगे। अब रिवर्स रेपो रेट हमारी बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, लोगों को ये होगा, अब मेरे को क्या करना है, ये पैसा आम पब्लिक को, जनरल पब्लिक को देने की बजाय मैं क्या करता हूँ, मैं ना आरबीआई के पास रख देता हूँ ये पैसा। जब मैं आरबीआई के पास पैसा रखूँगा तो क्या हो जाएगा, मेरे पास लोगों को देने के लिए पैसा कम होगा। जब मेरे पास पैसा ही नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मैं लोन को क्रिएट ही नहीं करूँगा इकोनॉमी में, इसका मतलब लेस फंड विल बी यूज्ड एज सीआरआर फंड्स टू बी पार्क्ड विद आरबीआई, क्योंकि आरबीआई के पास उनको रखना पड़ता है ये पैसा बिफोर क्रिएटिंग द क्रेडिट। ठीक है, और सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी, कंट्रोल। सीधी सी बात है, देखो इन्फ्लेशन के टाइम में क्या हो गया, लोगों के हाथ में पैसा था, दैट इज वाई देवर क्रिएटिंग द डिमांड। अब मुझे उनसे वो पैसा क्या करना है, वापिस लेना है। कैसे लेऊंगी वो पैसा मैं उनसे, उनको मैं और लोन प्रोवाइड ही नहीं करूंगी। अब मैं उनको लोन प्रोवाइड नहीं करूंगी, इसके लिए आरबीआई क्या करता है, आरबीआई रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज कर देता है। जैसे ही वो इंक्रीज करेगा, मैं लोगों को पैसा देने की बजाय मैं वो पैसा आरबीआई के पास रखना ज़्यादा बेटर समझूंगी, मेरे लिए ज़्यादा सेफ होगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको भी बताया वो एनपीए में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कन्वर्ट नहीं होने के चांसेस होते, क्योंकि हमें पता है वो पैसा हमें थोड़े टाइम बाद वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक्स के पास क्या होगा, लोगों को पैसा देने के लिए ही नहीं होगा, जिसकी वजह से इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन की जो है प्रोसेस वो क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी, पैसा नहीं होगा। नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, कैश रिजर्व रेशियो, दैट इज CRR बोला जाता है इसको। ठीक है, ये वो मिनिमम परसेंटेज है
जो क्या करना होता है, ये बैंक्स को अपने टोटल डिपॉजिट का किसके पास रखना होता है, आरबीआई के पास। ये डे टू डे बेसिस पर चेंज होती है, हमेशा याद रखना, क्योंकि मेरी जो टोटल डिपॉजिट्स हैं, इसमें मेरी डिमांड डिपॉजिट्स प्लस मेरी टर्म डिपॉजिट्स, वो दोनों आएंगी। अब वो डे की, आपको पता है, डे टू डे बेसिस पर चेंज होती है। आज कुछ लोग पैसा मतलब डिपॉजिट करवाने भी आ रहे हैं, विड्रॉ करने भी आ रहे हैं, आज मैंने इतनी टर्म डिपॉजिट्स जो है वो मतलब इशू करी हैं, या फिर इतने लोग मेरे बैंक में पैसा डलवाने आए हैं। तो ये डे टू डे बेसिस पर चेंज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बैंक्स को क्या करना पड़ता है, ये पैसा आरबीआई के पास कैश की फॉर्म में रखना पड़ता है, ठीक है। और इसी के बेसिस पर देखो, हम सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करेंगे कैसे। नंबर वन पॉइंट, जैसे मान लो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन है क्या है, लोगों के पास पैसा है, मुझे उनसे पैसा लेना है, कैसे लेंगे, सीआरआर को बढ़ा दो। जैसे ही आप कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा दोगे, जैसे मान लो मेरे पास 10,000 रुपीज़, हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था, 10,000 का 10% मैं रखती थी अभी आरबीआई के पास, मैंने इसको बढ़ाकर 20% कर। अब मैंने इसको 20% करा, अब मेरे को क्या होगा, मेरे को जो है अब 2,000 रुपीज़ क्या करना पड़ेगा, आरबीआई के पास कैश की फॉर्म में रखना पड़ेगा। पहले मैं 1,000 रखती थी, अब मैं 2,000 रखूंगी, जिसकी वजह से मैं पहले 9,000 रुपीज़ का लोन दे सकती थी, अब मैं 8,000 रुपीज़ का लोन दूंगी। तो क्या हो जाएगा, जैसे ही सीआरआर मेरी राइज होगी, कैश रिजर्व्स जो हैं आरबीआई के साथ वो इंक्रीज हो जाएंगे, और मेरी कैपेसिटी जो है क्रेडिट क्रिएट करने की वो फॉल हो जाएगी, जिसकी वजह से इकोनॉमी में मनी सप्लाई भी फॉल हो जाएगी और इन्फ्लेशन अल्टीमेटली कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि जब लोन ही नहीं होगा बैंक्स के पास, पैसा ही नहीं होगा लोन प्रोवाइड करने के लिए, तो लोग लोन लेने ही नहीं होंगे। एंड द लास्ट पॉइंट से स्टेचुएटरी लिक्विडिटी रेशियो, दैट इज SLR। जैसे हमने पढ़ा, सीआरआर वो अमाउंट होता है जो कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के साथ कैश के फॉर्म में रखना होता है, ऐसे ही SLR जो होता है वो बैंक्स को अपने पास इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स रखना होता है। क्यों? ताकि अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़, या जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को, वो इजीली कंडक्ट कर सकें। जैसे सैलरी वगैरह पे करनी होती है, बिल्स वगैरह पे करने होते हैं, ठीक है, वो डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए भी तो इंसान को कैश चाहिए होता है ना, ऐसे बैंक को भी चाहिए होता है। तो बैंक्स को वो पैसा अपने पास किसकी फॉर्म में रखना होता है, लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में रखना होता है। और लिक्विड एसेट्स में क्या आता है, कैश आ गया, गोल्ड आ गया, और अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ आ गया, ठीक है। अब देखो, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, इंक्रीज हो रखी है डिमांड, तो हम क्या करेंगे, SLR को इंक्रीज कर देंगे। SLR इंक्रीज होते ही क्या हो जाएगा, बैंक्स को ज़्यादा पैसा अपने पास इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनके पास कम पैसा होगा लोन प्रोवाइड करने के लिए। तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। और डिफ्लेशन के केस में क्या होगा, अपोजिट होगा। एक पॉइंट बताना मैं पीछे भी भूल गई, सॉरी, जो हमारी रिवर्स रेपो रेट है वो अभी रीसेंट की जो है वो 3.35% है, ये हर 2 मंथ्स में चेंज होती है, तो इसीलिए आप इसको अपडेट करते रहना। सीआरआर है, ये अभी डिक्रीज की गई है, पहले ये 4% हुआ करती थी, अब ये 3% है। SLR भी हमारी जो है वो 18% है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है ना, ये स्पेसिफिक सेक्टर के ऊपर फोकस करते हैं, ये ओवरऑल क्रेडिट सप्लाई जो है इकोनॉमी में नहीं देखते। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें, मार्जिन रिक्वायरमेंट। जब भी हम बैंक के पास लोन लेने जाते हैं ना, बैंक हमें कहता है कि बदले में आपको ना कोई सिक्योरिटी मोर्टगेज रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब याद रखना, जैसे मान लो मैंने सिक्योरिटी मोर्टगेज रखी, कौन सी, 1 लाख रुपीज़ की, तो बैंक हमेशा याद रखना मुझे कभी भी 1 लाख का लोन नहीं देगा, हमेशा इससे कम का लोन देगा, सपोज 90,000 का लोन दे रहा है। जो वो 10,000 है वो बैंक ने क्या रखा, अपने सेफ्टी के लिए रखा, कि अगर कल को मैं ये 90,000 रुपीज़ प्लस इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं कर पाई, तो बैंक मेरी सिक्योरिटी को सेल करेगा, लेकिन वो सिक्योरिटी ज़रूरी थोड़ी है कि वो 1 लाख में ही सेल होगी, हो सकता है कम में हो सकता है ज़्यादा में भी हो जाए। तो बैंक क्या करेगा, अपने आप को सेफ रखने के लिए जो ये गैप है
इसको मतलब एक मेंटेन करके रखता है, और इसी गैप को बोला जाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर द लोन एंड द अमाउंट विच वी हैव रिसीव्ड फॉर द लोन। ठीक है, जो मेरे को जितने अमाउंट का लोन जो है वो ग्रांट हो चुका है। अब देखो, अब लोगों को अगर आसानी से लोन मिल जाए, लाइक जैसे 1 लाख के बदले में अभी मुझे 95,000 का लोन मिल रहा है, मैं इजीली जाकर लेकर आऊंगी क्योंकि मुझे पता है इतना इंटरेस्ट पेमेंट कर दूंगी तो मेरा कोई प्रॉब्लम लगता नहीं है, मेरे को ज़्यादा लोन मिल रहा है। लेकिन इन्फ्लेशन के टाइम में क्या चाहता है जो RBI है, वो चाहता है कि लोग लोन ना लें, वो इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज करते हैं। कैसे? वो 1 लाख के एक्सचेंज में कहेगा आपको सिर्फ 80,000 का क्या मिलेगा, लोन मिलेगा। वो कहेगा भाई 20,000 तो फिर मेरा तो बड़ा नुकसान है ना, और तो वो क्या जो पीपल होंगे वो इसको लेने के लिए क्या नहीं होंगे, आगे नहीं आएंगे। व्हेन वी इंक्रीज द मार्जिन रिक्वायरमेंट, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, फॉल इन डिमांड फॉर क्रेडिट। पहले उसी 1 लाख की सिक्योरिटी के बदले मुझे 95,000 का लोन मिल रहा था, अब उसी 1 लाख की सिक्योरिटी के बदले मुझे 80,000 का लोन मिल रहा है, तो मेरे को तो 15,000 कम लोन मिल रहा है ना, तो मैं कैसे अपनी पुराने वाली सप्लाई को मेंटेन करके रख सकूंगी। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, लोगों की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये बेसिकली स्पेकुलेटिव जो ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस के लिए यूज़ किया जाता है, लोग स्पेकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, मतलब पैसा लेते हैं ना जब, तो उसमें डिस्करेज करने के लिए कि कमर्शियल बैंक्स वहाँ पर पैसा ना दें प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए, तो वहाँ पर ये लगाई जाती है मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। इसमें क्या करते हैं हम लोग ना, कोटास फिक्स कर देते हैं फॉर डिफरेंट सेक्टर्स। जैसे अगर आपने देखा होगा हमारी प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग होती है कि किसी भी बैंक को अगर लोन देना है ना तो इतना परसेंटेज उसको एग्रीकल्चर को देना है, ठीक है, इतना परसेंटेज उसको विमेन के लिए देना है, विमेन एम्पावरमेंट के लिए या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए, ठीक है, इतना परसेंटेज उसको एडुकेशन लोन के लिए देना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर बैंक चाहता है कि जो क्रेडिट है वो एक स्पेसिफिक सेक्टर को ना जाए या एक स्पेसिफिक सेक्टर को मिले, वो क्या करते हैं, कोटास फिक्स कर देते हैं। और अगर कमर्शियल बैंक्स इन कोटास को क्या करते हैं, उनसे उनको मानते नहीं हैं या उसको लिमिट को क्रॉस कर देते हैं, तो जो RBI है वो उनके अगेंस्ट क्या करता है, स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है। इसमें भी क्या होता है, स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज को चेक किया जाता है। जैसे क्या होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए अगर आपको लोन देना है, कोई भी बैंक एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए लोन देने के लिए रेडी नहीं होता, क्योंकि उनको पता है हर साल क्या होता है, बारिश की वजह से या फ्लड की वजह से कम होती है तो भी क्रॉप्स खत्म, ज़्यादा हो जाती है बारिश तो भी क्रॉप्स खत्म, तो उनको उनका पैसा रिटर्न मिलने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, उनको नुकसान होता है। तो बैंक सोचते हैं कि यहाँ पर देते हैं क्योंकि यहाँ पर रिटर्न नहीं मिलना हमें, हम किसी और सेक्टर में, जैसे मान लो कोई स्पेकुलेशन के लिए ले रहा है, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए ले रहा है, तो वो वहां पर देंगे, तो ये सेक्टर हमारा नेग्लेक्टेड रह जाता है। तो इसीलिए क्या होता है, उस सेक्टर को डिस्करेज करने के लिए और इस सेक्टर को मिले, RBI क्या करता है, कोटास फिक्स कर देता है। इन्फ्लेशन के टाइम में क्या होगा, बैंक्स को डिस्करेज करने के लिए क्रेडिट राशनिंग जो है वो इंट्रोड्यूस कर दी जाती है फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़। और अगर कमर्शियल बैंक्स अपनी कोटास लिमिट को क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है। और कमर्शियल बैंक्स जो है वैसे तो कर नहीं सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, सप्लाई को हम कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। एंड लास्ट से इज मोरल सुएशन। ये होता है मतलब आप क्या कर रहे हो, किसी से बहुत प्यार से बात कर रहे हो, उसको पहले हम क्या करेंगे, प्यार से समझाएंगे। जैसे एक आता है ना साम दाम दंड भेद, कि पहले उसको समझाओ, अगर वो आपको आपकी बात नहीं सुनता दाम पैसा दो उसको, अगर उससे भी नहीं मानता दंड पनिशमेंट का डर दिखाओ उसको, और अगर उससे भी नहीं मानता तो उसके साथ चीटिंग करो। यहाँ पर बैंक चीटिंग तो कर नहीं सकता RBI, लेकिन वो यहाँ पर क्या करता है, परसुएट करने की कोशिश करता है कमर्शियल बैंक्स को कि वो क्या करें, अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, एंड वेन एवर द इन्फ्लेशन सिचुएशन इज देयर, वो खुद से क्या हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए इकोनॉमी में कम से कम लोन प्रोवाइड करें। अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर उनके ऊपर क्या किया जाता है, प्रेशर डाला जाता है।
So it is like rendering an advice to the commercial banks by the RBI to follow its directives. The banks are advised to restrict the loans during inflation. ठीक है, जब भी inflation की problem है तो ये आपकी normal moral responsibility बनती है कि आप क्या करो, loans को कम से कम provide करो ताकि economy में stability आ सके. सिमिलरली अगर डिफ्लेशन की प्रॉब्लम है तो कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा लोन दिया जाए. अब जैसे अगर अब की बात करें तो वो जो 20,000 करोड़ का पैकेज है वो लोन को इंक्रीज करने के लिए दिया जा रहा है ताकि क्या हो, डिफ्लेशन की प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सके. तो ये किस स्टेप किस सीक्वेंस में काम करता है, पर्सुएशन, प्यार से बात करेंगे हम लोग, मनाएंगे उनको. अगर वो हमारी उस बात से नहीं मानते हैं फिर हम उनको प्रेशराइज करेंगे. अगर उससे भी नहीं मानते हैं तो वी विल टेक एक्शंस अगेंस्ट देम कि उनको हम क्या करेंगे, जैसे उनका लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं, राइट, एनी अदर एक्शन वी कैन टेक अगेंस्ट. ओके, दिस टॉपिक और दिस चैप्टर एंड्स हियर. होप यू हैव अंडरस्टूड इट. अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट देयर. सो डू वॉच द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.